दोस्तों वन चांस की एक और बहुत ही कमाल धमाल बवाल बिना किसी सवाल वाली वीडियो में आपका स्वागत है। थैंक्स। इस वीडियो में हम पांच बहुत ही बेहतरीन अमेजिंग ब्रांड के शॉर्ट्स देखने वाले हैं, क्योंकि आजकल जब शॉर्ट्स चल रहा है ना, अच्छी अच्छी की रील निकल जा रही है। और पहला शॉर्ट आ गया हमारे पास में। देखो, गर्मियों में ना शॉर्ट्स पहनना सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होता है, और ये मेरा पर्सनल चॉइस है। अगर मेरा बस चले ना, बस मैं चलाता हूँ। अच्छा, तो मैं पूरी जिंदगी भर ना शॉर्ट्स ही पहनूं, लेकिन मेरे पास बस नहीं है ना, तो मेरा बस चलता नहीं। कोई बात नहीं, पहला ब्रांड आ गया हमारे पास में। ब्रांड का नाम है ज़ारा, टैग मिल जाएगा, प्राइसिंग लिखी 2890। इतना आपको पे नहीं करना है। देखो, हमने ना अच्छे अच्छे ब्रांड्स का लिए सेलेक्ट किए हैं, ताकि एक नया एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकूं। एकदम सिंपल सा लेके आ जाऊंगा, उसमें क्या ही होगा, ऐसा बर्बाद। अगर ज़ारा के शॉर्ट्स की बात करें ना, टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। देखो, देखने में तो शॉर्ट्स शॉर्ट्स जैसा होता है, इसमें चौड़ा सा आपको इलास्टिक मिल जाएगा, क्लोजर के लिए आपको दो नाड़ा पजामा होल्डिंग डिवाइसेस मिल जाएंगे, सारी चीजें बिल्कुल अच्छी है। पीछे आपके राइट बम में आपको एक पॉकेट मिल जाएंगे, लेकिन अलग चीज यहाँ पे क्या है ना, इसका फैब्रिक जो कि आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, पूरे निटेड फैब्रिक से इसे डिजाइन किया गया है, जिसमें मल्टीपल कलर्स यूज हुए हैं, और निटिंग इतने खूबसूरत तरीके से की गई ना, ऐसा लगता है एक पूरा पिक्चर बना हुआ है इस पे। क्लोजली यहाँ पर देखोगे ना, तो व्हाइट है, ऑफ व्हाइट है, ब्राउन है, मस्टर्ड येलो, ऐसे बहुत सारे अमेजिंग अमेजिंग कलर्स है। थोड़ा सा ब्लैक भी आपको देखने को मिल जाएगा। आपको फ्रंट में फेक शूसू पॉकेट देखने को मिल जाएगा, जैसे कोई काम नहीं है। अंदर में आपको ज़ारा की ब्रांडिंग मिल जाएगी, और ये पैंट टर्की से बन के आया है। एग्जैक्ट अगर प्राइसिंग की बात करें तो ये आपको समझ लो कि 1200 रुपए के आसपास में मिल जाएगा। इतना आपको 3-4 हजार पे नहीं करना, यानी पूरा इंपोर्टेड माल है। पहने में कैसा लग रहा है, सारी चीजें आप पीछे देख लो, फटाफट चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ऑलराइट, नेक्स्ट शॉर्ट का जो ब्रांड हम एक्सप्लोर कर रहे हैं वो है H&M। H&M का आपको टैग मिल जाएगा, जिसमें कभी भी H&M लिखा नहीं होता। यहाँ पर इसकी MRP है 799, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी है। आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ना, जो अनाप सनाप अपने शॉर्ट्स के प्राइस लिख रहे हैं, जैसे अभी हमने ज़ारा वाला देखा। H&M का आपको अंदर टैग मिल जाएगा, पिस्टैशियो ग्रीन कलर का ये पूरा शॉर्ट्स है। यहाँ पर आपको एकदम सिंपल नॉर्मल कम्फी कपड़ा देखने को मिलता है। शॉर्ट्स के दोनों साइड में आपको पॉकेट देखने को मिल जाएंगे, जिसकी डेप्थ बहुत ज्यादा अच्छी है, तो आपको फोन वोन आराम से आप कैरी कर सकते हो। फ्रंट में आपको दो नाड़ा मिल जाएगा, यानी पजामा होल्डिंग डिवाइस, जिसको ऐसे आगे पीछे करके ना आप दुनिया से कनेक्ट कर सकते हो, और अगर इसे बांधोगे तो आपकी इज्जत बच जाएगी। ये तो धोती खोल रहा है। तो अंदर में आपको H&M का टैग मिल जाएगा, रेगुलर फिट यहाँ पर लिखा हुआ है। कंपोजिशन की बात करें तो 60% कॉटन एंड 40% पॉलिएस्टर इसमें यूज हुआ है। थोड़ा सा स्ट्रेच हो सके ये फैब्रिक, इसलिए इसमें ना पॉलिएस्टर ऐड किया जाता है। वैसे नीचे यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे ऐसा करके खुला छोड़ दिया जाता है, जिससे एक डिफरेंट लुक क्रिएट होता है। पीछे में आपको सेम इसमें राइट बम्प पे आपको एक पॉकेट मिल जाएगा, जिसकी डेप्थ अगेन बहुत ज्यादा अच्छी है। इसका वेस्ट का जो लास्टिक है सच में बहुत ज्यादा चौड़ा है, और ऐसे जो भी लास्टिक वाले पैंट्स होते हैं ना, उसमें लास्टिक का चौड़ा होना और सॉफ्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो आपके कमर के कमरे में ना रेड पटरियां बन जाएगी, इस पे रेल गाड़ी चुक चुक चुक। पीछे देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ रेगुलर फिट मिड लेंथ। मिड लेंथ का मतलब ये होता है ना कि शॉर्ट्स कहीं नी से भी नीचे होते हैं, इसको 3/4 भी बोला जाता है, और बहुत ज्यादा शॉर्ट्स भी होते हैं जो जनरली रनिंग के लिए यूज होते हैं। ये मिड मिड वाला है, और वैसा वाला है जो लोग अक्सर पहनते हैं और अच्छा लगता है। यानी कि मैं कैसा लग रहा हूँ, ये सारी चीजें पीछे देख लो। डेफिनेटली H&M के साथ होते होते ये जो प्राइसिंग ऐड हो गई ना 800 की, वो इसे अल्ट्रा बेस्ट बना रही है। अब डेफिनेटली H&M के शॉर्ट्स के लिए जा सकते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट शॉर्ट आ गया हमारे पास में, एक और ज़ारा का शॉर्ट। यहाँ पर ज़ारा का टैग मिल जाएगा, प्राइसिंग अभी हुई 2990। अब ये इतनी ज्यादा प्राइसिंग इसलिए है ना, क्योंकि यहाँ पर मोनोपोली हो रही है। ये जो फैब्रिक्स यूज कर रहे हैं, ये जो डिजाइन यूज कर रहे हैं, या ये जो कॉम्पोजिशन यूज कर रहे हैं ना, वो कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। सारी जगह शॉर्ट्स के नाम पर या तो थोड़े से कार्गो टाइप के पॉकेट्स होंगे, या तो सिंपल सा शॉर्ट्स होगा, थोड़ा सा कम्फी वेयर हो जाएगा। लेकिन आपको शॉर्ट्स में कुछ नेक्स्ट जनरेशन का करना है ना, नेक्स्ट लेवल का करना है, उसके लिए आपको ज़ारा जंप करना पड़ेगा, और आपको थोड़े पैसे देने पड़ेंगे। जस्ट लुक एट दिस। सेम आपको लास्टिक वाला क्लोजर मिल जाएगा, नाड़ा मिल जाएगा, पीछे आपको ज़ारा की ब्रांडिंग मिल जाएगी। ये भाई बना हुआ मोराको से, तो समझ लो सारे ना इंपोर्टेड चीजें होते हैं। पीछे आपको एक पॉकेट मिल जाता है, साइड साइड में भी आपको दो पॉकेट्स मिल जाएंगे, जिसकी डेप्थ अच्छी ही होगी क्योंकि ब्रांड अच्छा है। इसमें आपको कोई भी सुसु पॉकेट नहीं मिलता फेक वाला। अगर फैब्रिक की बात करें ना, हल्का हल्का ना इसमें टेक्सचर्स ऐड है, और बहुत ज्यादा ना प्रीमियम लग रहा है। साथ ही एकदम कड़क माल है। सारे कपड़े ना बहुत अच्छी तरह से ना स्मेल करते हैं, ऐसा नहीं लगता ना कि गोडाउन से निकला हुआ है या पेटी पैक जैसा सामान होता है, वैसा स्मेल नहीं करता, एक प्लेजेंट स्मेल करता है। अगर कलर की बात करें तो यहाँ पर आपको मल्टीपल कलर्स देखने को मिलेंगे, मैंने ऐसे डॉट डॉट्स करके ना मल्टीपल प्रिंट्स की गई। एग्जैक्टली मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ ना, वो आपको बीरोल के थ्रू दिख जाएगा। वैसे आपको ये बता दूं कि अगर इस शॉर्ट को खरीद रहे हो और अगर पहनने वाले हो ना, तो इसके ऊपर हमेशा आपको सॉलिड्स ही पहनना होगा, तो ही अच्छा लगेगा, क्योंकि ये अपने आप में ना बहुत ज्यादा इंगेजिंग है। अगर ऊपर भी इंगेजिंग कर लोगे ना, तो एकदम मेस टाइप का फील होगा, ऐसा लगेगा ना कि इंसान नहीं बल्कि झाड़ खड़ा है। गजब बेइज्जती है। नीचे देखे तो इसमें भी आपको नीचे रॉ एजेस देखने को मिल जाएंगे, और डिजाइन के लिए यहाँ पर ना थ्रेड्स को थोड़ा सा बाहर निकाला गया है, और ये थ्रेड से हो सकता है ऐसा कि आपको घुटनों में गुदगुदिया हो और अचानक से आपके मुंह से गाना निकल जाए ही हाँ, सदैला रिंकी या विक्स की गोली लो, खिच खिच दूर करो।
लेफ्ट लेग के बॉटम में ना यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी से भाई कुछ लिखा हुआ है, कुछ तो लिखा हुआ है भाई, खुद में नहीं समझ में आ रहा। शॉर्ट के भी अगर प्राइसिंग की बात करें ना, तो ये भी आपको 1200 रुपए के आसपास ही मिल जाएगा अगर स्टॉक बचा होगा तो। पीछे देखोगे तो और आपको कोई वैसे डिजाइनिंग नहीं मिलती, एग्जैक्ट प्रिंटिंग चारों तरफ पैन के कैसा लग रहा है, देख लो बड़ा चलता है नेक्स्ट की तरफ। ऑलराइट, अब हम एक्सप्लोर कर रहे हैं द सोल स्टोर, एक और ऐसा ब्रांड जो कि बजट में चीजें बनाता है, कभी स्पॉन्सर नहीं करता। तो ये वीडियो भी किसी ब्रांड के थ्रू स्पॉन्सर नहीं है, ताकि हम अच्छी अच्छी बातें एग्जैक्ट बातें आपके साथ कर सके, अच्छा क्या है बुरा क्या है। टैग मिलता है द सोल स्टोर का। प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ 1499, एग्जैक्ट मैं बताऊंगा कि हमने कितना पे किया है। ब्लैक कलर का पूरा शॉर्ट्स है जो कि ओवर वर्सेटाइल होता है, आप आराम से ब्लैक शॉर्ट्स ना किसी के भी साथ पहन सकते हो। पूरा कॉटन से बना हुआ है, हल्का सा पॉलिएस्टर ब्लेंड होगा क्योंकि हल्का हल्का स्ट्रेच होता है। बड़ा सा चौड़ा सा आपको इसमें भी इलास्टिक देखने को मिल जाएगा, कंफर्टेबल है, सॉफ्ट है, ड्रॉ स्ट्रिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगे, प्लास्टिक टिप इसमें दिया गया है। अच्छी बात क्या है ना कि दोनों साइड पॉकेट्स में ना आपको चेन वाले पॉकेट्स मिलते हैं, जिससे भाई सच में बहुत ज्यादा हेल्प होती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि थोड़ा सा इतना छोटू सा पॉकेट है। इसी की तरफ आपको एक पॉकेट देखने को मिल जाएगा जिसके ऊपर द सोल स्टोर का आपको पैच देखने को मिलता है। दोनों पैंट के नीचे साइड में ना जैसे कार्गो पैंट्स में कैसे बॉक्स पॉकेट होते हैं, वैसे ही पॉकेट्स डिजाइन किया गया है। थोड़ा सा ना शॉर्ट्स कार्गो शॉर्ट्स टाइप की वाइब दे रहा है। लेफ्ट साइड के पॉकेट के फ्लैप के ऊपर में ना आपको द सोल स्टोर ओरिजिनल्स की प्रिंट मिलेगी, जो कि अच्छी क्वालिटी की है और अच्छी लग रही है। ये हमने लिया है एम साइज पहन के मैं कैसा लग रहा हूं, ये सारी चीजें आप पीछे देख लो। इस शॉर्ट्स के लिए ना हमने 850 रुपए के आसपास पे किया है। अब आपको यहां पे कंफ्यूजन होगी ना कि H&M बेस्ट है या सोल स्टोर बेस्ट है। देखो फैब्रिक के मामले में, कंफर्ट्स के मामले में मैं कहूंगा कि H&M ज्यादा बेस्ट है। एक तो अच्छा ब्रांड भी हो जा रहा, ऑब्वियसली द सोल स्टोर से बहुत बड़ा ब्रांड है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा डिजाइन चाहिए ना, क्योंकि इसमें आप देखो कार्गो वार्गो जैसे पॉकेट्स ऐड है, तो डेफिनेटली स्टाइलिश ये ज्यादा लग रहा है। 50 रुपए का डिफरेंस है, आप आराम से अपना डिसीजन ले सकते हो। नेक्स्ट शॉर्ट्स आ गया हमारे पास में। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग एनिमे टी शर्ट्स की डिमांड कर रहे हैं, जर्सीज की डिमांड कर रहे हैं, हम आपको बहुत सारे भर भर के कंटेंट दे देंगे। ऑलराइट, सो नेक्स्ट शॉर्ट आ गया हमारे पास में, ये भी एक ज़ारा का शॉर्ट्स है। देखो हाल में ही ना ज़ारा पे बहुत ज्यादा तगड़ी सेल चल रही थी, लिटरली 60% तक ऑफ चल गया था। हमने बहुत तगड़े तरीके से सारे सेल्स सारे ऑफर्स को अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर किया था, ताकि आप भी वो सेल्स को ट्रैक कर पाए और खरीद पाए। अगर आप अब तक हमें टेलीग्राम में फॉलो नहीं करते ना, तो फटाफट जाके फॉलो कर लो। अगले शॉर्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको कोई टैग नहीं मिलता हमसे, टेस्टिंग वेस्टिंग के थ्रू ना कहीं इधर उधर हो गया, देखा आपने लापरवाही का नतीजा। लेकिन आपको बता दूं कि इसकी जो MRP थी 3000 के आसपास की थी। फैब्रिक की बात करें तो ये भी नेटेड फैब्रिक से बना हुआ है, इसमें आपको बहुत सारे अमेजिंग कलर्स के ना शेप्स देखने को मिल जाएंगे। कहीं पे फ्लावर बना हुआ है, कहीं पे कुछ कुछ ऐसे अजीब अजीब टाइप के बने हुए जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। बीरोल के थ्रू आप देख सकते हो, ऑफ व्हाइट कलर का पूरा शॉट है, और इन सारे पैटर्न के बाद ना ये एक शॉट बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। हालांकि ये भी चीज कहना चाहूंगा कि जितना हमने पहले देखा है ना, उससे थोड़ा सा सिंपल है, और इसको थोड़ा सा और अच्छा किया जा सकता था। जितना पिक्चर में अच्छा दिख रहा था ना, उतना आने के बाद मजा नहीं आया। तोबा, थोड़ा मूड खराब कर दिया। क्लोजर की बात करें तो पूरा प्लेन टाइप का आपको क्लोजर मिलता है, इलास्टिक की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। ड्रॉ स्ट्रिंग की बात करें तो बड़े अमेजिंग इसमें ड्रॉ स्ट्रिंग दिया हुआ, भाई व्हाइट एंड ग्रीन थ्रेड से इसके ड्रॉ स्ट्रिंग को बनाया गया है, अमेजिंग लग रहा है। अंदर में आपको सारा का टैग मिल जाएगा, मेड इन टर्की ये भी है। वैसे अंदर से देखोगे ना, तो अंदर से ना ये कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लगता है, बाहर से बड़ा ही सिंपल है। पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ, ये सारी चीजें आप पीछे देख सकते हो। डेफिनेटली अगर आपको जाना है ना, तो आप इन सारे ज़ारा के लिए भी जा सकते हो, क्योंकि इनकी प्राइसिंग जो है वो 1200 रुपए के आसपास की। अगर आप कुछ अच्छा नेक्स्ट लेवल का पहनने की सोच रहे हो, अगर सिंपल आपको शॉर्ट चाहिए, तो आप H&M के लिए, आप द सोल स्टोर के लिए आराम से जा सकते हो। अगर आपको बजट वाली चाहिए ना, कि 500 के अंदर चाहिए आपको, आप मुझे कमेंट में बता देना, हम उसकी वीडियो बना देंगे। एंड अगर ये वीडियो चलिए, मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, चैनल जाके सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम में टेलीग्राम में फॉलो कर ले। अभी के लिए बाय, जय हिंद, फेस बूम।